मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम लोडिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक पास बेल श्री भैया नगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री सेकंड राजस्थान का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह है खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा था तथा राणा सांगा को इस युद्ध में पराजित हो गया था। घायल अवस्था में उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट है खानवा के युद्ध के कारण क्या रहे थे। तो पानीपत की विजय के बाद जैसा कि बाबर के साहस में वृद्धि हुई और उसने भारत में अपने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी की ओर प्रस्थान किया और 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर व मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो युद्ध प्रारंभ से पूर्व मुगल सेना के हौसले युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही मुगल सेना के जो हौसले भ्रष्ट हो गए थे, लेकिन बाबर ने अपने ओजस्वी भाषण से सेना में उत्साह का संचार किया और 20 घंटे के भीषण युद्ध के उपरांत बाबर को अपने तोपखाने की वजह से, शक्तिशाली सेना की वजह से इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। और इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर की विजय होने का जो प्रमुख कारण था वह था रायसेन के शासक सरहदी तवर द्वारा राणा सांगा के साथ विश्वासघात करना था, क्योंकि रायसेन का शासक सरहदी तवर जो है युद्ध के समय राणा सांगा का साथ छोड़ बाबर से जा मिला था। तो इसके अलावा दूसरा जो कारण था राणा सांगा का इस युद्ध में घायल हो जाना भी था, परिणाम स्वरूप उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया था। नेता के अभाव में राणा सांगा की सेना में खलबली मच गई थी और इसके कारण खानवा के युद्ध में बाबर को विजय मिली थी। इसके प्रमुख कारण पहला था बाबर द्वारा राणा सांगा पर वचनबद्ध का आरोप लगाना, दूसरा था राणा सांगा द्वारा बाबर पर वचनबद्ध का आरोप लगाना। पहला बाबर द्वारा राणा सांगा पर वचनबद्ध का आरोप लगाना, दूसरा है राणा सांगा का बाबर पर वचनबद्ध का आरोप लगाना। नेक्स्ट है बाबर की महत्वाकांक्षा, राणा सांगा की महत्वाकांक्षा, अफगानों में राजपूतों में गठबंधन जिससे बाबर चिंतित हुआ और उसने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को दंडित करने का निश्चय कर लिया। इसके अलावा धार्मिक उद्भेद तथा जो बाबर है भारत में इस्लाम धर्म को स्थापित करना चाहता था, जबकि जो राणा सांगा था वह हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक रहा था। तो धार्मिक उद्भेद जो है खानवा युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक थे। इसी प्रकार खानवा युद्ध की जो घटनाएं हैं कुछ इस प्रकार से थी। तो राणा सांगा ने बयाना के दूरक पर अधिकार कर लिया था। इस पर बाबर ने एक मुगल सेना बयाना के दूरक पर अधिकार करने के लिए भेजी, परंतु जो बाबर के सैनिक थे इसमें सफल नहीं रहे थे। बयाना से भागे हुए मुगल सैनिकों ने राजपूत सैनिकों की वीरता की काफ़ी प्रशंसा की, इससे बाबर के सैनिकों में आतंक का माहौल छा गया था। इस अवसर पर बाबर ने धैर्य साहस कूटनीति से काम लिया और उसने मुगल सैनिकों में उत्साह भरने के लिए
एक जोशीला भाषण दिया। उसने कहा कि हम सबको मिलकर ईश्वर के नाम की शपथ लेनी चाहिए। जब तक शरीर में प्राण है हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे और अपने तेज तलवारों से शत्रु का नाश करते रहेंगे। इस प्रकार बाबर ने अपने सैनिकों में उत्साह भरा और अंत में अपने तोपों की मदद से बाबर ने खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया। तो खानवा युद्ध के कारण जो है हमने पिछले वीडियो में इसकी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम खानवा युद्ध के परिणाम और इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय के क्या कारण रहे थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नंबर एक है राजपूतों को भीषण क्षति, दूसरा है मुगल साम्राज्य का दृढ़तापूर्वक स्थापित होना, तीसरा है राजपूतों की शक्ति का छिन्न भिन्न होना, नेक्स्ट है बाबर के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन, इसके अलावा राजपूतों की स्वतंत्रता का अंत हो गया था। तो नंबर एक है राजपूतों को भीषण क्षति। तो जैसा कि खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा पराजित हो गए थे, बाबर इस युद्ध में विजयी रहा था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों को भीषण क्षति उठानी पड़ी थी। इसके अलावा नंबर दो है मुगल साम्राज्य का दृढ़तापूर्वक स्थापित होना। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन मेवाड़ के शासक राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित करने के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य को दृढ़तापूर्वक स्थापित कर लिया था। इसके पश्चात बाबर ने चंदेरी और घाघरा के युद्धों में विजय प्राप्त की और भारत में मुगल साम्राज्य को मजबूती से स्थापित किया। नेक्स्ट है राजपूतों की शक्ति का छिन्न भिन्न होना। तो खानवा युद्ध की परिणाम स्वरूप ही बाबर ने राजपूत सैनिकों को पराजित कर दिया था। इस युद्ध के बाद राजपूतों की जो शक्ति थी वह छिन्न भिन्न हो गई थी। इसके अलावा बाबर के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन, तो खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब उसे भाग्य की खोज में भटकने के लिए समाप्त हो गए। अब उसने भारत में अपना साम्राज्य मजबूती से स्थापित करने का निश्चय कर लिया था। अब बाबर के बुरे दिनों का भी अंत हो गया था और अच्छे दिनों की शुरुआत बाबर के लिए हो चुकी थी, क्योंकि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय होने के पश्चात खानवा के युद्ध में भी विजय प्राप्त कर ली थी। अतः इससे बाबर के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया तथा इससे बाबर के महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई, जिससे उसने अन्य राज्यों पर भी अपना एकाधिकार स्थापित करने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है राजपूतों की स्वतंत्रता का अंत। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। इसके पश्चात राजपूतों की स्वतंत्रता का इस युद्ध के बाद अंत हो गया था तथा बाबर ने खानवा के युद्ध में अपनी विजय घोषित कर अपनी सैनिक शक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। तो इस प्रकार खानवा के युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों को भीषण आघात पहुंचा। मुगल साम्राज्य जो कि दृढ़तापूर्वक इस युद्ध के बाद स्थापित हो गया था, इसके अलावा इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बाबर के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, अब उसे भाग्य की खोज में भटकने के दिन समाप्त हो गए तथा उसके बुरे दिनों का अंत हो गया था। मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार का जो स्वप्न उसका अधूरा रह गया था, अब भारत पर विजय प्राप्त करके जो बाबर है अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति आसानी से कर सकता था।
इसके अलावा इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की स्वतंत्रता का भी अंत हो गया था। इस प्रकार खानवा के युद्ध में बाबर विजयी रहा, मेवाड़ का शासक राणा सांगा पराजित हो गया था। इसका सबसे मुख्य कारण था रायसेन के शासक सर अली तंवर द्वारा राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया जाना। तो आइए हम देखते हैं खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय किस कारण से हुई, बाबर इसमें विजयी कैसे रहा। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की निर्णायक पराजय हो गई थी। प्रश्न यह उठता है कि राणा सांगा के पास बाबर की अपेक्षा अधिक सेना होते हुए भी, श्रेष्ठ सेना नायकों के होते हुए भी आखिर राणा सांगा इस युद्ध में पराजित क्यों हुआ। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पराजित होने के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी रहे थे। नंबर पहला है राजपूत सेना में आपसी तालमेल का अभाव, बाबर की युद्ध पद्धति मुगल सैनिकों में घुड़सवारों का प्रयोग अधिक होना, बाबर का शक्तिशाली तोपखाना, राणा सांगा द्वारा अपने आप को युद्ध भूमि में झोंक देना और रायसेन के शासक सर हरी तंवर का राणा सांगा के साथ विश्वासघात, ये प्रमुख रूप से राणा सांगा की पराजय के लिए उत्तरदायी कारण रहे थे। नंबर एक राजपूत सैनिकों में तालमेल का अभाव। तो राजपूत सेना संख्या में मुगलों से अधिक होते हुए भी एक नेता के अधीन ये संगठित नहीं थे, बल्कि भिन्न भिन्न राजपूत राजाओं और सामंतों के ये अधीन थे, जिनकी स्वामी भक्ति राणा की अपेक्षा अपने सामंतों के प्रति अधिक होती थी। ऐसी स्थिति में सेना में अनुशासन बनाए रखना कठिन कार्य था, अतः राजपूत सेना में आपसी तालमेल का अभाव रहा, जिसके परिणाम स्वरूप खानवा के युद्ध में राजपूत सैनिक पराजित हो गए थे। नंबर दो है बाबर की उत्तम युद्ध पद्धति। राणा सांगा को बाबर की सैन्य शक्ति, रण कौशल एवं तुलुगमा युद्ध पद्धति की विशेष जानकारी नहीं थी। राणा सांगा को बाबर की सैन्य व्यवस्था, उसके रण कौशल, तुलुगमा युद्ध पद्धति की जो जानकारी राणा सांगा को नहीं थी। बाबर को राणा सांगा एक साधारण शत्रु मानकर उसके साथ युद्ध लड़ रहा था। राणा सांगा ने परंपरागत युद्ध पद्धति को इस युद्ध में अपनाया था, जबकि जो बाबर है नवीन अस्त्र शस्त्रों से युद्ध लड़ रहा था। इसके कारण राणा सांगा के सैनिक बाबर की सेना के सामने टिक नहीं पाए। तो बाबर की जो तुलगमा पद्धति है इतनी कारगर और प्रभावशाली थी कि राजपूत जो इस पद्धति को और बाबर की चाल को समझ ही नहीं पाए। परिणाम यह हुआ कि अचानक वे मुगल सैनिकों से घिर गए और लड़ते हुए पराजित हो गए थे। तो इस प्रकार बाबर की उत्तम युद्ध पद्धति, अच्छा युद्ध सैन्य संचालन, बाबर का रण कौशल और बाबर की दुर्गमा युद्ध पद्धति, बाबर का नवीन अस्त्र शस्त्रों से लड़ना तथा राणा सांगा का परंपरागत अस्त्र शस्त्रों से लड़ना, जो कि राणा सांगा की पराजय के लिए सहायक सिद्ध हुआ था, क्योंकि जो राजपूत सैनिक हैं बाबर की तुलगुमा पद्धति को अच्छे से समझ नहीं पाए और लड़ते हुए पराजित हो गए थे। नेक्स्ट है मुगल सैनिकों में घुड़सवारों का अधिक प्रयोग होना। तो राणा सांगा की पराजय का एक कारण मुगलों के अश्वरोही सैनिक दस्ते की गतिशीलता और चातुर्यपूर्ण रण कौशल भी था। राणा के अधिकांश जो सैनिक थे वह पैदल सैनिक राणा सांगा की सेना में अधिक थे, जबकि मुगल सैनिकों में घुड़सवार सैनिक ज़्यादा थे।
और अश्व रहे सैनिक दस्ता भी था जो कि तेज गति से चलने वाले मुगल अश्वरोही सैनिक दस्ते की तुलना में अत्यधिक निम्न स्तर का सिद्ध हुआ था। तो इस प्रकार बाबर की सेना में उत्तम पत्ती के घोड़े और घुड़सवार थे जबकि राणा सांगा की सेना में पैदल सैनिक अधिक थे। इसके परिणाम स्वरूप राणा सांगा पराजित हुआ और बाबर इस युद्ध में विजयी रहा था। नेक्स्ट है बाबर का शक्तिशाली तोपखाना जो कि उसकी विजय में सहायक सिद्ध हुआ। तो राणा सांगा की पराजय का एक अन्य जो महत्वपूर्ण कारण था बाबर का शक्तिशाली तोपखाना भी था। मुगलों की आग उबलती हुई तोपों के समक्ष राजपूतों के परंपरागत हथियार और उनकी जो शौर्य है सफल नहीं हो पाई। भाला आग उबलती तोपों और दंतनाती गोलियों के समक्ष तीर भाले भला कितने समय तक टिक सकते थे। फिर बाबर के तोपखाने और अश्वरोही सैनिक दस्ते में इतना कुशल सामंजस्य था कि इसके समक्ष राणा सांगा के हाथियों और पैदल सैनिकों की जो कतारें थी वह बेकार सिद्ध हुई। राजपूत अचानक युद्ध में कूद पड़ते थे और बिना सोचे समझे ही शत्रु सैनिकों के बीच आ जाते थे जिसका परिणाम होता था केवल मृत्यु। जबकि मुगल सैनिक कुशल रणनीति अपनाते हुए परिस्थितियों को देखते हुए आगे या पीछे हटते थे क्योंकि वे जानते थे कि पराजय की स्थिति में वे भागकर हजारों मील दूर देश नहीं पहुंच पाएंगे। राजपूत मरना जानते थे लड़ना नहीं जबकि मुगल सैनिक मरना नहीं लड़ना और जीतना जानते थे क्योंकि वे जानते थे कि पराजय की स्थिति में वे भागकर हजारों मील अपने देश नहीं पहुंच पाएंगे। अतः वह प्राण प्रण से लड़ने में विश्वास रखते थे और मुगलों में राजपूतों की अपेक्षा युद्ध करने की जो लगन थी वह भी अधिक थी। यही कारण है कि बाबर के सैनिक इस युद्ध में विजय रहे और राणा सांगा पराजित हो गया। नेक्स्ट है राणा सांगा द्वारा स्वयं को युद्ध में झोंक देना। तो राणा सांगा द्वारा स्वयं को अपने आप को युद्ध में झोंक देना भी उसकी पराजय का कारण बना। जबकि बाबर एक निश्चित स्थान पर खड़े रहकर युद्ध का संचालन करता था बाबर ने कभी भी अपने आप को शत्रु के सामने नहीं आने दिया था। जबकि राणा सांगा बिना सोचे समझे स्वयं युद्ध में उतर आया था और शत्रु के सामने आते ही शत्रु को उस पर वार करने का अवसर मिल गया। अतः शत्रु का तीर लगना उसका मूर्छित होना उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाना जिससे राजपूतों का जोश जो है धीरे धीरे कम हो गया था क्योंकि राणा सांगा के घायल हो जाने के कारण जो राजपूत सेना थी नेतृत्वहीन हो गई थी। उसकी सेना में खलबली मच गई थी जिसके परिणाम स्वरूप जो बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और राणा सांगा पराजित हुआ। इस प्रकार राणा सांगा द्वारा अपने आप को युद्ध में झोंक देना युद्ध के लिए घातक सिद्ध हुआ। जबकि जो बाबर है वह दूर से रहकर इस युद्ध का संचालन किया करता था अर्थात बाबर एक निश्चित स्थान पर खड़े रहकर युद्ध का संचालन करता था। नेक्स्ट है राजसेन के शासक सरहदी धवल का विश्वासघात। इसी श्रृंखला में रायसेन के शासक सरहदी धवल ने युद्ध प्रारंभ होते ही राणा सांगा का साथ छोड़ बाबर से जा मिला था जिसके कारण बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और राणा सांगा पराजित हुआ था। इस प्रकार खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और बाबर इस युद्ध में विजय रहा था। संक्षेप में खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय के कारण नंबर एक राजपूत सेना में आपसी तालमेल का अभाव होना बाबर की उत्तम युद्ध पद्धति मुगल सैनिकों में घुड़सवारों का प्रयोग अधिक होना जबकि राणा सांगा की
सेना में पैदल सैनिक अधिक थे। बाबर का शक्तिशाली तोपखाना गोला बारूद, राणा सांगा द्वारा अपने आप को युद्ध में झोंक देना, जबकि बाबर द्वारा एक स्थान पर खड़े रहकर युद्ध का नेतृत्व करना। इसके अलावा रायसेन के शासक सलहदी दवर का राणा सांगा के साथ किया गया विश्वासघात, ये महत्वपूर्ण कारण थे। इसके परिणाम स्वरूप खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके साथ ही आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।